हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई ने 12 मई 2023 को जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर दिए थे बोर्ड्स के। अब उसके साथ में एक सर्कुलर भी रिलीज किया था सीबीएसई ने। उस सर्कुलर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है। तो पेज नंबर 7 पे है ये सर्कुलर भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो या सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको बच्चों। तो देखो, इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी है सीबीएसई ने, ये रहा ये पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों के काम के हैं। तो इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, अब ये इंप्रूवमेंट एग्जाम उन लोगों के लिए है जो इसी साल सप्लीमेंट्री एग्जाम के साथ में अपनी इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। जो नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में देना चाहते हैं, उनकी बात अभी नहीं हो रही है। अभी फिलहाल सप्लीमेंट्री वाले बच्चों, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी उसमें जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। तो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने रिलीज की है कि ये एग्जाम कब होगी, दूसरा इसका सिलेबस क्या रहेगा, और तीसरा कि कितने सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो। तो बच्चों, एक चीज तो पहले आप नोट कर लो कि जो बच्चे सप्लीमेंट्री लेके आए हैं या जिनकी सप्लीमेंट्री है, वो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दी जा सकती है। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं इसी साल जो 2023 में सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी, उसमें 2 सब्जेक्ट में क्लास 10th के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि ये एग्जाम होने कब वाली, सप्लीमेंट्री एग्जाम होने कब वाली। तो बच्चों, जो सप्लीमेंट्री की एग्जाम है वो जुलाई 2023 में होगी, यही जुलाई जो 2023 में आने वाला है इसमें ही होगी वो सप्लीमेंट्री की एग्जामिनेशन। बट द क्वेश्चन इज कि वो कब होगी, एग्जैक्ट डेट्स। तो एग्जैक्ट डेट्स अभी सीबीएसई ने रिलीज नहीं की है, हालांकि उन्होंने बोला है कि डेट्स जो है वो जल्दी वो रिलीज करेंगे, तो डेट्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो डेट्स तो अभी नहीं आई है, जुलाई में होगी ये कंफर्म हो गया है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो बच्चों, जो मेन एग्जाम में था हमारा सिलेबस, जो इस ईयर की मेन एग्जामिनेशन जो मार्च में हुई थी 2023 में, उसमें जो सिलेबस था आपका, वही कंप्लीट सिलेबस आपका रहेगा फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, तो ये ईयर में ही आप दे सकते हो। अगर इससे ज्यादा सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर तक के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और कौन ये एग्जाम दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर वाले एग्जाम कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, ये वाले एग्जाम कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, इसकी सारी डिटेल सीबीएसई जल्दी रिलीज करेगा एक सर्कुलर के फॉर्म में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्लास 12th की जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। रिवैल्युएशन वाले बच्चे जो रिवैल्युएशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अगर अपना रिवैल्युएशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, स्टिल अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।